नमस्कार, माई सेल्फ सौरभ श्रीवास्तवा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी। वेलकम टू माई चैनल अनुसंधान। टुडे आई एम गोइंग टू अनफोल्ड अ न्यू सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट the meaning and nature of organizational behavior. It is a starting point of organizational behavior. Let's start. First of all, we need to understand what is organizational behavior. I hope all of you having some idea about organizational behavior. For understanding the organizational behavior, first of all, let's understand the organization. And what about the operation of organization? If I'm talking about the organization, all organizations like business organization, education, government, our social system, these are run by people. Take an example of the business organization. For example, as you know very well, there are for running any kind of organization, the resources are required. हम लोग जानते हैं कि there are 5 M. It is the combination of men, money, machinery, material and management, commonly known as 5 M's. So these are resources required to run any organization. ये 5 हैं, men, money, मशीनरी, मटीरियल एंड मैनेजमेंट। ये 5 रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। बट द ऑल फाइव रिसोर्सेज रन बाय द 1 M. यू कैन से दैट ऑल अदर 4 रिसोर्सेज रन बाय द 1 रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड मेन। इट मीन्स ऑल थिंग्स इज रन बाय पीपल। If we will be able to understand the behavior of human being, then we can run organization very smoothly. मुख्य बात क्या है कि सारी चीजें मैन द्वारा ही रन की जा रही हैं। 5 M में जो एक कम है मेन, मेन मतलब नॉट ये जेंडर ओरिएंटेड नहीं है, मेन मतलब कि मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स। तो सारी चीजें पीपल द्वारा ही संचालित की जा रही हैं। द ऑल थिंग्स मैनेज्ड बाय द पीपल। देन बीइंग ए मैनेजर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहीं से सब्जेक्ट की शुरुआत है। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्यों? क्योंकि ऐसा जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जब भी हम बात शुरू करते हैं तो इस बात को कहते हैं कि हम सब लोग, ये दुनिया एक रंगमंच है, और किसी फिल्म का डायलॉग है, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। और इस रंगमंच की जो हम लोग कठपुतलियां हैं, सबका एक रोल डिफाइंड है। सब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा कि सब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल हैविंग अ मल्टीपल रोल, हर व्यक्ति के पास मल्टीपल रोल है। कैसे? एक मुखबिर फिल्म का डायलॉग है, बार बार इस क्लास जब मैं शुरू करता हूं तो याद आता है कि हर वक्त एक नया चेहरा सजा लेता हूं। हर वक्त एक नया चेहरा सजा लेता हूं का मतलब क्या है? एवरी इंडिविजुअल हैव अ मल्टीपल फेसेस। एवरी इंडिविजुअल हैव अ मल्टीपल फेसेस। दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द ओरिजिनल वन। कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, ये पहचानना बड़ा मुश्किल। लेकिन बिना पहचाने काम बनेगा नहीं। हो सकता है, जैसे अब कैसे मल्टीपल फेसेस हैं इसको समझ लेते हैं एक बार।
आप कॉलेज में हैं, एक अलग पेस है, एक अलग मार्क्स आप लगाए हुए हैं, घर पहुंचे एक अलग मार्क्स है, दोस्तों के बीच में एक अलग मार्क्स है, मतलब एक अलग फेस है। ये अलग अलग इन्वायरमेंट में जब जाता है तो रिफ्लेक्ट करता है, समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल फेसेस हैं, कभी कभार हम सामने वाले को बड़ा नापसंद करते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आप हमको नापसंद करते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चलेगा, बड़ा ही मुश्किल है। आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे, आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि आपका एटीट्यूड मेरे को लेके निगेटिव है। बात समझ पा रहे हैं हमारी? तो कहने का मतलब केवल इतना है, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इस बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर यू कैन नॉट मैनेज एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 100% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ जानना पड़ेगा तभी आप ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएंगे, क्योंकि ऑल ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द मैन, इवन द टेक्नोलॉजी एंड मशीन ऑल्सो रन बाय द, तो लोगों से ही संस्था चलती है, तो लोगों को समझने की जरूरत है। तो उसी संदर्भ में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज कंसिस्ट विथ टू वर्ड, द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज बिहेवियर। देखिए, पीपल के बारे में लिखा हुआ है, पीपल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये बात प्रूफ हो चुकी है, हम लोगों ने बात की है। एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अभी और डिटेल में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं ओबी। ओबी इक्वल टू ओ प्लस बी। ओ मीन्स स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड बी मीन्स बिहेवियर, दोनों को अलग अलग समझते हैं। आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। वट इज द ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज द, अगर इन अ लेमैन लैंग्वेज वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द कलेक्शन ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन इज द कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टूगेदर फॉर द कॉमन गोल, इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन तीन बातें हैं इस डेफिनेशन में, देखिएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन इज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अरेंज इन अ पर्टिकुलर वे एंड एम्बेडेड इन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, द कलेक्शन ऑफ पीपल अरेंज इन अ सर्टेन वे। वॉट इज द मीनिंग ऑफ इट? अरेंज इन अ सर्टेन वे मीन्स देयर इज डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देयर इज डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड लास्ट में क्या है? ऑर्डर ऑर्डर टू अचीव द कॉमन गोल, और सब लोग कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कैसे बताएं व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर रिफर्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल। लेविंस ने कहा था, कर्ट लेविंस ने कहा था, बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एंड ई। बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एंड ई। पी इज द पीपुल, ई इज द एनवायरमेंट, बी इज द बिहेवियर। तो बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पीपुल एंड एनवायरमेंट। इट मीन्स कि किसी भी एनवायरमेंट में पीपुल कैसे रिस्पॉन्स करता है, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। ओके, बिहेवियर रिफर्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर ग्रुप टू एन एक्शन, एनवायरमेंट, पर्सन एंड स्टिमुली। इट मीन्स द बिहेवियर ऑकर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी स्टिमुली को लेकर, स्टिमुलस क्या होता है भाई? स्टिमुलाई क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तब हमारा कुछ रिस्पॉन्स होगा, हमारा बिहेवियर है। किसी बात आप कुछ बोल रहे हैं उस पर हम नाराज हो गए, ये हमारा बिहेवियर है। कोई बात बोल रहे हैं हम हंस पड़े, ये मेरा बिहेवियर है। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड बिहेवियर। तो दोनों को मिला के समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। तो बड़ा ही मेरा फेवरेट डिफिनेशन ये नीचे लिखा हुआ है, सेकेंड वन डिफिनेशन में सिंपल बात बड़ी की गई है। ओबी इज डायरेक्टली कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये एक स्टेप है, दीज आर स्टेप। सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर को समझना होगा, पहले तो अपने आप को समझना होगा। ह्यूमन बिहेवियर किसी और को समझने के पहले अपने आप को समझना पड़ता है, और ओबी उसमें भी हेल्प करता है आपकी।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 24 घंटे में एक बार आप स्वयं के साथ रहे, एक ऐसे एक वंडरफुल पर्सनालिटी के साथ मीटिंग करें जो आप स्वयं हैं, क्योंकि बाकी को समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड योर सेल्फ, जब आप अपने आप को समझते हैं फिर अंडरस्टैंडिंग द अदर्स, दूसरों को समझ जब बनती है तब देन यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर। जब आप तब प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये अगला ये क्या करने वाला है, उसी के हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाएंगे उसके बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दो लाइन में बड़ा ही क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर भी एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिफर्स टू द वे द इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरैक्ट विद इन एंड टूवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे एक दूसरे के साथ इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरैक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक डेफिनेशन और लेंगे, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय रॉबिन्स का, एक डेफिनेशन हम लोगों ने लिया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी the influence and impact that individual groups and organization structure have on behavior within organization for the purpose of applying the knowledge towards improving an organizational effectiveness. Bada hi sargarvit hai, bada hi deep hai, bada badhiya definition hai. Organizational behavior studies the influence and impact. Kiska kya check karta hai? Influence and impact kiska? That individual groups एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस पे, ऑन द बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जिसके नॉलेज को हम यूज करके हम ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अगली बात हम लोग को करनी है कि दिस इज द मीनिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेचर, पहला नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये कई डिसिप्लिन के नॉलेज से मिलकर बना है। डिसिप्लिन मतलब एक थियोरेटिकल बेस पर प्रिंसिपल साइंस जो होता है उसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। साइंस एक डिसिप्लिन है, ठीक है, आर्ट एक डिसिप्लिन है, तो ये डिसिप्लिन नहीं है। ओबी इज द सेपरेट फील्ड ऑफ नॉलेज। देखिए यहाँ पे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी है, प्रिंसिपल भी है, लेकिन डिफरेंट किसी एक डायरेक्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ओबी का मतलब क्या है? ओबी किसी एक व्यक्ति को समझने के बारे में, ओबी अगर एक व्यक्ति को समझने के बारे में है तो उसके बिहेवियर को जानने के लिए उसका इकोनॉमिक्स का भी स्टडी होना चाहिए, उसके साइकोलॉजी की भी स्टडी होनी चाहिए, उसके सोशियोलॉजी की भी स्टडी होनी चाहिए, उसके हिस्ट्री की भी स्टडी होनी चाहिए, उसके डेमोग्राफिक की भी स्टडी होनी चाहिए, तब आप उस व्यक्ति को समझ पाएंगे। ऐसे इतना आसान नहीं है किसी व्यक्ति को समझना। तभी उन्होंने पूछे आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले, इसका मतलब क्या है, वो इन सब चीजों से अंदाजा लगाएंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कि आपका बिहेवियर क्या है। इसीलिए ओबी इज द सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। ओबी मैनेजमेंट की ही तरह ओबी इज द साइंस एज वेल एज आर्ट। ओके, जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें कई सारे थ्योरीज प्रिंसिपल मिलेंगे, वो साइंस है, जब भी इसको अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट है। एंड ओबी एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ओबी का जो अप्रोच है इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कई सारे सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है ना, इसीलिए बोलते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी। भाई जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हैं, लॉ भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स तो मान लीजिए जर्नी ही है, इकोनॉमिक्स जर्नी है कॉमर्स की, कॉमर्स जर्नी है मैनेजमेंट का। तो कहने का मतलब कि कई सारे सब्जेक्ट मिलके फिर मैनेजमेंट बनता है, वैसे ही ओबी कई सारे डिसिप्लिन को मिलके बना है।
एक बार आपको दिखा भी देते हैं इसके बारे में। सी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से ये सारी चीजें आई हैं जो ओबी में है। साइकोलॉजी, एक ह्यूमन साइकोलॉजी अगर हम पढ़ेंगे तो लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशन, परसेप्शन, ट्रेनिंग, दिस इज ड्रिवन बाई, आर टेकन बाई द साइकोलॉजी डिसिप्लिन। वैसे ही बाकी डिसिप्लिन भी हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से ग्रुप डायनेमिक, वर्क टीम, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, ये सोशियोलॉजी से लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ओबी कई सारे डिसिप्लिन से मिलकर बना हुआ है। सोशल साइकोलॉजी, बिहेवियरल चेंजेस, एटीट्यूड चेंजेस, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, वैल्यू, एटीट्यूड, क्रॉस कल्चर एनालिसिस। कहने का मतलब ये है कि ओबी, हम इस बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए पॉलिटिकल साइंस भी है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, पावर, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओबी इज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। कई सारे डिसिप्लिन को एक साथ जब मिलाया गया है तब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बना है। तो दिस इज व्हाट एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। द नेक्स्ट वन इज एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस क्या होता है? देखिए रिसर्च में हम लोग पढ़ते हैं अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या करता है कि कोई भी अगर समस्या हुई है तो क्यों हुई, रीजन फाइंड आउट करता है। अप्लाइड रिसर्च क्या करता है, रीजन के बाद जो इसका नॉलेज मिलता है उससे सोल्यूशन निकाल के उसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है। अप्लाइड साइंस मतलब कि ये अप्लाई होगा। जैसे कोई समस्या हुई, आप डिससेटिस्फाइड है, तो ये हम पता लगाएंगे क्यों डिससेटिस्फाइड है। हो सकता है कि आपकी वर्क टाइमिंग ठीक ना हो, आपको इंसेंटिव ठीक नहीं मिल रहा हो, सैलरी की प्रॉब्लम हो, या किसी से व्यवहार से कोई तकलीफ हो, तो फाइंड आउट करके, रिसर्च से फाइंड आउट करके सोल्यूशन निकाल के अप्लाई करके और रिजल्ट देते हैं। तो ये क्या है, ये अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड साइंस है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस मतलब नॉर्मल साइंस। पॉजिटिव साइंस में क्या होता है, केवल कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि ओबी में कॉज एंड इफेक्ट हम नहीं चेक करते हैं, करते हैं कि भाई किस कॉज से आपको डिससेटिस्फेक्शन हुआ, लेकिन केवल इसी पे नहीं, बाकी चीजों को भी यहाँ एक्सप्लोर किया जाता है और इंडिविजुअल और ग्रुप और नेशन लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी भी चेक की जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। कहने का मतलब ये है कि केवल कॉज एंड इफेक्ट नहीं, बाकी आयामों को भी एक्सप्लेन करता है और नेशनल बिहेवियर जो सोशली, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ओबी इज अ नॉर्मेटिव साइंस। द नेक्स्ट वन इज And who, a human and optimistic approach, organizational behavior, human being को एक feeling being समझता है, आपके जज्बातों को समझता है, आप क्यों दुखी हैं, क्यों आप नहीं आ रहे हैं, क्यों आपकी performance नहीं आ रही है। तो ये organizational behavior, जैसे F.W. Taylor थे, वो human being को as a machine treat करते थे, scientific management, याद आया। लेकिन human behavior approach में यहाँ पे humanistic approach है बेटा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब हम आपको फीलिंग, आपके फीलिंग की इज्जत करते हैं, आपके जज्बातों को समझते हैं, आपको रिस्पेक्ट देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अप्रोच डेवलप करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ओबी इज अ टोटल सिस्टम अप्रोच। टोटल सिस्टम अप्रोच मतलब दिस इज अ इंटीग्रेटेड अप्रोच। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कंबाइंड है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और इन सबको मिला के इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ओबी का भी अप्रोच इंटीग्रेटेड है। ठीक है, कि क्या इनपुट मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई आप कैसे कर पाएंगे, समझ कैसे पाएंगे और उसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में भी, क्योंकि एक एक करके रिसर्च लेवल तक, अप्लीकेशन लेवल तक हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई होप ओबी का मीनिंग और नेचर आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।